नमस्कार द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर सांसद ने डिगलीपुर में विभिन्न पूजा पंडालों को किया दौरा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार अब द्वीप दर्पण विस्तार से सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बीते शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर के रामकृष्ण मिशन में आयोजित पूजा कार्यक्रम में हिस्सा हमारा दीप है बहुत ही अच्छा एक बहुत ही शांति पूर्ण तरीके से हर भाषा भाषी के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं जहाँ पे कोई जात के नाम में धर्म के नाम में कोई भेदभाव नहीं है तो माँ से मेरा यही प्रार्थना होगा कि माँ जो शांति अमन प्यार मोहब्बत अंडमान निकोबार के अंदर में अंडमान निकोबार के जनता के अंदर में है वो हमेशा बनाए रखे और जितने भी जो त्रासदी है चाहे वो कोरोना हो चाहे वो आ, सुनामी हो चाहे वो भूकंप हो चाहे वो साइक्लोन हो कुछ भी हो माँ हम सबको अंडमान निकोबार की सभी जनता को और आइलैंड्स को सब बचा के रखे फोर्टब्लिया नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष अजीजुर रहमान ने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर जंगली घाट में पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन करते हुए सभी द्वीपवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी उद्घाटन हुआ है माँ दुर्गा का यानी कि पूरे देश में मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा और इस अवसर पे मैं अपने जितने भी अंडमान वासियों हैं सभी को मैं आ, सभी को मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि माँ दुर्गा जो है आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए धन दौलत का आपको प्राप्ति हो और आपस में हम सब जो अंडमान एक मिनी इंडिया है एक गंगा जमुना तहजीब हमारे दीपों को कहते हैं तो ये एक साबित होता है कि देखिए मैं एक दूसरे धर्म से हूँ बट दुर्गा पूजा में मुझे बुलाना ये हमारे आइलैंड का ये कल्चर है तो ये बहुत खुशी हुई है मुझे इधर आकर और मैं जितने भी कमेटी के लोग हैं प्रेसिडेंट मेंबर्स और जितने भी महिलाएं हैं इधर में और जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन पूजा के लिए किया है सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये 27 साल से पूजा चल रहा है दुआ करता हूं कि ये पूजा चलते रहे जब तक इस दुनिया में लोग हैं महासप्तमी तथा महाअष्टमी के अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा ने डिगलीपुर क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा कर उत्तर अंडमान के निवासियों से मुलाकात की उन्होंने पूजा पंडाल को आकर्षित और क्रियात्मकता के साथ तैयार करने के लिए सभी पूजा पंडाल के आयोजकों की सराहना की इस अवसर पर उन्होंने सभी द्वीपवासियों को शुभकामनाएं देते हुए द्वीप समूह के विकास व समृद्धि की कामना की है पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रशासन पुलिस तथा रक्षा के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे इस बीच पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली और शहीद पुस्तक को पुलिस महानिदेशक को सौंपा गया अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने भारतीय पुलिस के जवानों के बलिदानों को याद किया देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे भारतीय पुलिस बल के एक छोटे से दस्ते ने जिनके पास मात्र राइफलें थीं चीनी आक्रमणकारियों का अद्वितीय साहस और वीरता के साथ सामना किया और अंतिम क्षण तक लड़ते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया भारतीय पुलिस के जवानों का यह बलिदान प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का प्रतीक है और भारतीय पुलिस के जवानों में सदैव प्रेरणा जागृत करता रहेगा इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया साथ ही मुख्य सचिव केशव चंद्र तथा अन्य गणमान्य अधिकारियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली ने शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे से मुख्य सचिव को अवगत कराया उन्होंने कहा कि उन्नीस में ग्रुप डी पद के लिए हुई खुली बढ़ती के मेरिट सूची में चुने शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम कर्मचारी जिनका कार्यावधि आठ घंटे की है लेकिन उन्हें पार्ट टाइम कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया है कुल 200 व्यक्तियों को पार्ट टाइम आधार पर रखा गया है इन व्यक्तियों को दो भागों में आवश्यकता के अनुसार खेल तथा युवा मामले विभाग में बांटा गया है जिन्हें वन थर्ड वेतन जारी किया गया है लेकिन शिक्षा निदेशालय अब तक इस वन थर्ड वेतन के लाभ से वंचित है विशाल जौली ने मुख्य सचिव से शिक्षा विभाग के सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को वन थर्ड वेतन देने का अनुरोध किया है दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर लगाए गए सभी पंडालों में भक्तजन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं पोडर के विभिन्न पंडालों को काफी आकर्षक रूप से सजाया गया है कुछ पंडालों में चंद्रयान तीन के मॉडल को दर्शाया गया है तो कहीं अपशिष्टों से भी पंडालों को तैयार किया गया है आज हम दुर्गा मंदिर में हमारे सप्रे लाइन के दुर्गा पूजा के मंडप में हम खड़े हैं और जो हमारी कमेटी है इन्होंने बहुत सुंदर से बहुत अच्छी तरह से दुर्गा पूजा मनाया है और देवी का जो रूप है देवी की जो में जो खुशी है उस सारे लोगों को आशीर्वाद है और हम ये चाहते हैं कि हमारी दुर्गा माता हम लोग सबको आशीर्वाद दें इस साल हमारा सबका अच्छा रहे ईगल क्लब दुर्गा पूजा पंडाल में खड़े हैं। इस पंडाल का पूजा स्टार्ट हुआ था आज से 48 एट ईयर्स पहले लगभग 1978 का करीब में स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तो उस टाइम में यहाँ पर एक क्लब हुआ करता था मूर्ति वहीं पे बनाया करते थे हम और अब फिर धीरे 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 करके अब हम बाहर से मूर्ति बनाते हैं पहले इस जगह का नाम हुआ करता था ब्राउनिंग क्लब तो उस क्लब के अंदर में पूजा हुआ करता था वो क्लब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था और आज भी उस क्लब का एक छोटा सा हिस्सा हमारे यहाँ पर है और उसके आगे लगने के बाद में अब पूजा इस पंडाल में बनाया जाता है और हम यहाँ पर करीबन करीबन रोज़ भोग करते हैं और यहाँ पर जागराता होता है और कई अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं और हमारा यहाँ का मतलब हर साल का कुछ ऐसा डेकोरेशन का थीम रहता है जिससे हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें जैसे इस बार हमने प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ किया है हमने सब जगह से प्लास्टिक बॉटल्स एक लीटर वाले जो ऑलरेडी बन के रेडी थे अब तो एक लीटर का बॉटल बंद हो चुका है तो उस बोतल को लेकर के हमने इस बार झूमर बनाए हैं और जो डेकोरेशन है वो प्लास्टिक बॉटल्स के थ्रू से किए जिससे हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके जिसका रिड्यूस रीयूज और रीसाइकल का तो हमने उस उस थॉट को रखते हुए हमने इस आइडिया को लाया है पूरे द्वीप समूह में दुर्गा पूजा का पर्व पूरे भक्ति भाव व धूमधाम से मनाया जा रहा है इस उत्सव को बंगाली समुदाय के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं इस दौरान बंगाली समुदाय के पकवानों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है इस सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न होटलों में बंगाली पकवानों पर खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया इस दौरान इस समुदाय से जुड़े खास पकवानों को प्रदर्शित किया गया इस समुदाय के अलावा अन्य लोगों ने भी इन पकवानों का जायका लिया रिसोर्ट की तरफ सेलकत्ता की तरफ से जितने भी ऑथेंटिक बंगाली फूड हैं वो सारे दीपवासियों के लिए लाए हैं जो यहाँ अंडमान में अलग अलग जगह से देश के घूमने के लिए बहुत सारे यात्री आते हैं उन सभी को ऑथेंटिक बंगाली फूड का मजा लेने के लिए जो है हम लोगों ने पहली बार अपने रिसोर्ट में ऑथेंटिक बंगाली फूड का आयोजन किया है आप सभी दीपवासियों से निवेदन है कि वो आए इस दुर्गा पूजा में ऑथेंटिक बंगाली फूड का आनंद लें पुलिस स्मृति दिवस के एक भाग के रूप में मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने शनिवार को अपने शहीद सहकर्मियों की स्मृति को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया जहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन बहादुर सैनिकों को सम्मान दिया जिन्होंने समुदाय की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुर अधिकारियों के बलिदानों को स्मरण किया वहीं निकोबार जिले में भी स्मृति दिवस पर आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग के विभिन्न इकाइयों के कर्मियों फायर ब्रिगेड पुलिस रेडियो और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने इस दिवस पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी पुलिस अधीक्षक मंजीत श्वराण ने अपने संबोधन में पुलिस सेवा की सदस्यों द्वारा प्रदर्शित अटूट प्रतिबद्धता साहस और बलिदान पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होंने शहीद नायकों को समर्पित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी द्वीप समूह के मैक्रूज को मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरिटाइम समिट में प्रतिष्ठित समुद्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार समापन सत्र के दौरान माननीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया Limited, तीन दिवसीय वैश्विक भारत समुद्री शिखर सम्मेलन उद्योग के नेताओं नव प्रवर्तकों को सम्मानित करता है जो भारतीय समुद्री उद्योग में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रहे है Congratulations to Mac Logistics Private Limited for demonstrating maritime excellence. नवरात्रि मनाए जाने के सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र पोर्ट्लेयर के कॉलोनी में गोलू पूजा मनाया गया जिसमें भगवान के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की गई। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा ने इस पूजा कार्यक्रम में भाग लिया साथ ही केंद्र के अन्य अधिकारियों व उनके परिवार भी पूरी श्रद्धा के साथ इस पूजा में शामिल हुए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में आज सरस्वती पूजा और विश्वकर्मा पूजा मनाया गया इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर व आकाशवाणी पोर्टब्लेयर की उप महानिदेशक एम वासुकी निदेशक, निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा के अलावा वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे इस दौरान केंद्र के विभिन्न उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे छह बजे फिनिक्स जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे नौ बजे स्वराज द्वीप से ब्लेयर के लिए होगी एम वी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे फिनिक्सबेज जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी एमवी कछार शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद दो 2 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम पांच बजे फिनिक्स जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे छह बजे फिनिक्सबेजी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर एक बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी सभी जलियानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे अंत में मुख्य अंश एक बार फिर सांसद ने डिगलीपुर में विभिन्न पूजा पंडालों का किया दौरा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है नमस्कार